नमस्ते, मैं हूँ शताक्षी गुप्ता। बी अलर्ट बी केयरफुल में आपका स्वागत है। आज मैं बी अलर्ट बी केयरफुल में आपकी मुलाकात बाला साहब से करवाने वाली हूँ। बच्चे मोबाइल में दिन प्रतिदिन इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, उसके लिए बालाजी कुछ कर रहे हैं। चलिए उनसे पूछते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। सर, जो आजकल ये हो रहा है, हर बच्चा हाथ में मोबाइल लेकर घूम रहा है, तो सर आप क्या करने वाले हैं इसके लिए? मैम, ऐसा है कि अभी हमें हमारे मंडल की तरफ से एक पल लिया है कि हमारे जो 18 सोसाइटी है सेक्टर 7 चारकोट में, तो इसमें जो बच्चे हैं, हम लोग देखा, मेरे घर पे ही देख रहा हूँ मैं बाजू से बोलने से अच्छा तो घर में ही बोल रहा हूँ। घर में मेरा बच्चा खाना खाएगा ना तो भी मोबाइल देखता है, पर मोबाइल देख के उनका मतलब जो भी ध्यान है वो मोबाइल पे, खाने पे नहीं है, और बाकी का स्टडी वो सब साइड में हो जाता है। और मोबाइल इतना हैंगओवर हो गया है उनको कि आगे तकलीफ होता है। तो मुझे वो देख के हमारे जो आमदार हैं अपने इधर के शिक्षा मंत्री विनोद जी तावड़े जी, अपने महाराष्ट्र राज्य के, तो उन्होंने भी सुझाव दिया था हमको कि जब भी आपको ये मिलेगा तो 3 घंटा कुछ ना कुछ बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम करिए। बच्चों कम से कम 3 घंटा हफ्ते में 3 घंटा वो इधर आके बैठे, लोगों को कुछ मनोरंजन का हिसाब से कुछ ये करो कि वो लड़के इधर आके बैठे और उनको खुशी मिले, उनको मोबाइल देखने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आपके पास मतलब हमने ये किया है कि बच्चों को कुछ करने के लिए बहुत लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं कि भाई 3 घंटे में अपने को कौन सा प्रोग्राम दे सकते हैं, क्या कर सकते बच्चों के लिए कि बच्चे मोबाइल से कम से कम मोबाइल निकाल के दूसरा कुछ करें, दूसरे में इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे मोबाइल से तो हटे कम से कम। एटलीस्ट 3 घंटे अगर आप करते हैं, 3 घंटे तो दूर रहे मोबाइल। यस यस, ये एक हफ्ते में 3 घंटा इतना तो कर सकते हैं जी। तो आप अभी ये सब शुरू करने वाले हैं? आप बहुत जल्दी से मैम, हम आपको बता करते हैं कि 10 दिन के भीतर हम लोग आपका 26 जनवरी को नहीं कर सकते। इसका कारण बताता हूँ कि जब करने के लिए हमें पूरा 1 महीना हमारा काम धंधा छोड़ के हमको ये करना पड़ा कि समाज का कुछ करना है, आपको समाज को कुछ देना है। हम लोग ने हमारे पेट के लिए सब कुछ किया है लेकिन समाज के लिए अपन कुछ नहीं किया, तो वो भाव से हमारे मंडल एक साथ आए। मेरे मंडल के सब सभासद जितने भी है उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, और सपोर्ट देने के बाद मैंने ये कदम उठाया कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए अपने कुछ करना पड़ेगा, और आज तय कर दिया है कि 10 दिन के भीतर कुछ भी प्रोग्राम तय नहीं हुआ है लेकिन पूरा कोशिश करेंगे कि तय करके वो प्रोग्राम करेंगे और बहुत जल्दी आपको उसका रिप्लाई भी दे देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चों को लेकर, और बच्चों में एक स्पोर्ट्स की जो कमी होती जा रही है सिर्फ क्योंकि बच्चे घर से निकलते ही नहीं है, मोबाइल में बिजी रहते, तो उनको स्पोर्ट्स में भी डालने का आपका कोई प्लान है कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें? स्पोर्ट्स में भी डालेंगे, इसके लिए जिम अपन ओपन किया है, जिम में भी अपन ओपन जिम कर रहे हैं। मतलब ओपन जिम का मतलब ये होता है कि नेचुरल, अभी ये जो भी आप देख रहे हैं ये पूरा नेचुरल है, आर्टिफिशियल कुछ लग रहा है आपको? झाड़ इतना बड़ा बड़ा झाड़ है, एकदम नेचुरल लग रहा है, अपने गांव में आए हैं वैसा, और गांव की हवा खा रहे हैं वैसा हवा इधर मिल रही है। तो ओपन जिम में एक बच्चों को ये हो जाएगा कि उनको जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उसका बेनिफिट कब मिलता है, आपको सही आगे का जो क्लाइमेट हो अपना क्रिएट करने के लिए, तो ये मौसम बहुत अच्छा है और इधर का जो भी है। चलिए बालाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, और ये मेरा चैनल यही है कि घटना घटने का इंतजार मत कीजिए, पहले से सावधान रहिए। तो एक ये तो घटना घटने वाली बात ही है कि बच्चा मोबाइल में दिन रात बिजी हो रहा है। मैम, ऐसा है, मैं लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस मेरे दोनों बच्चे, एक डॉक्टर हो रही है और दूसरी लड़की मेरी MBA कर रही है, मैंने वो लड़की भी है ना, उन्होंने मोबाइल छोड़ने के बाद वो डॉक्टर हो गए, अगर मोबाइल पकड़ के करते ना तो कभी वो डॉक्टर नहीं। बिल्कुल सही बात है। आजकल के लड़के लोग हैं ना, जितना भी लड़के लड़की जितना भी यंग ब्लड है वो पूरी तरह से मोबाइल पे डूबे हुए हैं, उसको मोबाइल को डूबे हुए लड़की लोग जो यंग ब्लड है उनको अपने को बाहर निकालना है और उनको जो अपना नेचुरल है उसमें डालना है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए बी अलर्ट बी केयरफुल। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड press bell icon.